Sorry children, the video was too short. Let's continue again. Brain is at the control center of our body. It receives information from all the parts of our body through nerves. यानी बच्चों ब्रेन जो है हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और ये सारे पार्ट्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व्स के थ्रू अपने पास लाता और ले जाता है. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स. हमारा जो ब्रेन है बहुत ही टाइनी मिलियन ऑफ टाइनी नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है. इट्स लाइज इनसाइड हार्ड बोनी स्कल. ये हमारे हार्ड बोनी स्कल के अंदर होता है. इसे पिछले चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था. द इनसाइड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पेस बिटवीन द स्कल. यानी हमारे ब्रेन और जो स्कल के बीच में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूड भरा होता है जो हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाता है. एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स 1.4 केजी. एक एडल्ट व्यक्ति का ब्रेन होता है 1.4 केजी. द ब्रेन इज वेरी डेलिकेटेड एंड इज देयरफॉर वेल प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड. ब्रेन जो होता है बहुत ही डेलिकेटेड होता है, बहुत ही नाजुक होता है, जो जिसे स्कल जो है प्रोटेक्ट करता है. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग that left side of our brain controls the right side of our body and the right side of our brain controls the left side of our body, as you can see here that is given in the paragraph. Next we talk about there are three main different parts of brain. Brain ke jo hote hain wo teen mukhya bhag hote hain. You can see in this picture also. I have underlined already cerebrum and medulla. You can see what is cerebrum, the largest part. हमारे brain में जो सबसे बड़ा भाग है वो है cerebrum. उसके बाद जो second largest part है वो है cerebellum. और हमारे skull को, brain को और spinal cord को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं medulla. और इसे common language में कहते हैं brain stem. तो let us we talk about one by one point. First we are going to talk about what is cerebrum. Cerebrum को हम इस प्रकार भी define कर सकते हैं, यानी हमारे brain का बहुत बड़ा भाग, यानी the largest part of the main and the largest part of the brain is called cerebrum. It's dome shaped. ये dome shape के रूप में है. Surface is covered with deep ridges. इनके अंदर बहुत सारे ऐसे नसों का घुमाव है, यानी ग्रूव्स बने हुए हैं, नलियां की तरह बनी हुई है सरफेस. इट कंट्रोल्स अवर आईज ईयर्स वॉइस टंग एंड नोज. ये हमारे आईज नोज ईयर्स को टंग करता है. देयरफॉर इट इज द पार्ट विच हेल्प अस टू थिंक लर्न रिमेम्बर स्पीक एंड फील. यानी इसे हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेकेंड The cerebrum is the main and the largest part of the brain and it controls our thinking, learning, speaking, feeling, etc. And it one more thing that is important, it is the center of our intelligence. ये हमारी बुद्धिमत्ता का center होता है. Next we talk about that is cerebellum. Cerebellum को हम इस प्रकार define कर सकते हैं. Cerebellum is the second largest part of the brain. You can see I have written with pencil. Cerebellum is the second largest part of the brain and it lies below the cerebrum. ये cerebrum के ठीक नीचे होता है. अब इसका function क्या है? It coordinates the action of muscles and make them work together. ये हमारे मांसपेशियों को control करता है और उन्हें work करने के लिए हेल्प करता है. यानी हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? सेरिब्रम. उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम जो है हमारे मांसपेशियों को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज मेडुला. मेडुला को मैंने आपको पहले ही बताया. इट इज द कनेक्शन. ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है.
इट शेप लाइक अ स्टेम, इसीलिए इसको हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं। इट कीप्स ऑन वर्किंग डे एंड नाइट वेदर वी आर अवेक और स्लीप, ये हमारा जो मेदुला है वो दिन रात काम करता है या हम सोए हों या फिर जगे हों। इट कंट्रोल्स इम्पॉर्टेंट एक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ लंग्स, हार्ट एंड मैनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि मूवमेंट ऑफ लंग्स, हार्ट और भी अदर इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। द ब्रेन नीड्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, यानी हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली काम करता है, तो काम करने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, सभी को पता है कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, तो इसको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ब्लड का भी और ऑक्सीजन, एनर्जी रहेगी तभी तो काम करेगा ब्रेन। ए पर्सन फेंट्स व्हेन हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू द ब्रेन, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कभी कभी हमारे बॉडी में ब्रेन को प्रॉपर ब्लड यानी इनफ ब्लड, जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पाता है, सो लोग फेंट हो जाते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं। दस वी मस्ट हैव प्रॉपर स्लीप टू रेस्ट अवर ब्रेन, इसलिए हमें प्रॉपर स्लीप होना करना चाहिए यानी हमें प्रॉपर तरीके की नींद लेनी चाहिए ताकि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा आराम मिल सके। ओके चिल्ड्रेन, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। इसमें इस चैप्टर में आज हमने इस टॉपिक के अंदर जाना कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों से मिलकर ये नर्वस सिस्टम बनता है। तो इसमें पहला टॉपिक हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दैट इज द टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।